Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are all doing great. So I'm back with the new recipe and today we are going to make Hasselback chicken. So चलिए चलते हैं ingredients की तरफ. यहाँ मैं ले रही हूँ braised chicken का सीना और ये दो braised पीस लिए मैंने. उसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये बिल्कुल बारीक वाला फ्रेश ब्रेड क्रम है. उसके बाद मैंने मैदा लिया है, मैंने दो अंडे लिए थे और उन्हें बहुत अच्छे से बीट कर लिया था. उसके साथ मैं ले रही हूँ स्पाइसेस में मैंने लिए है कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, सॉल्ट और चिकन पाउडर. सिर्फ ये हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स हैं. अब मैं आपको पहले हम करते हैं चिकन को कट. और हाँ, आप बहुत ध्यान से देखें कि मैं चिकन को किस तरह से कट कर रही हूँ. चिकन को आप बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं कीजिएगा वरना आपकी चिकन जो है वो टूट जाएगी. बहुत ध्यान से कट कीजिएगा, हमें बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं चाहिए. तो पहले हम कर लेते हैं हमारी चिकन को कट और उसके बाद फिर हम मैं आगे बताती हूँ आगे क्या करना है. अब हमें क्या करना है, जो हमने मैदा लिया था अब हम उसमें ऐड करेंगे हमारे सारे स्पाइसेस. हमने 4 स्पाइसेस लिए थे. मैंने 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया था चिकन पाउडर. ये सारे स्पाइसेस जो थे वो मैं इनको अच्छी तरह से जो है मिक्स करूँगी. और अब हमें क्या करना है, जो हमने चिकन कट करके रखी थी वो अब हम मैदे में जो है वो अच्छी तरह से कोट करेंगे. और जो हमने कट किए थे, आप ध्यान रखिएगा हमें अच्छी तरह से कट में भी मैदा लगाना है, ये मिक्सचर लगाना है ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए. उसके बाद अब हम डिप करेंगे इसे अंडे में, जो अंडे हमने बीट करके रखे थे उसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये प्रॉपर कोट हो जाए. और उसके बाद हम इसे डिप करेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स में. अब हम इसे जब ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत ध्यान से अंदर इसे फिल कीजिएगा, कहीं ये ना हो कि आपसे चिकन टूट जाए. तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत आराम से जो है कोट कीजिएगा. और ये कोट हो चुका है. अब हम करेंगे हमारी हसलबैक चिकन को फ्राई. और आप ध्यान रखिएगा, आप लोग कढ़ाई में भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर फ्राई पैन पे इसको फ्राई कर रही हूँ. लेकिन आप कढ़ाई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई डायरेक्ट कर सकते हैं इजीली. और अब हम इसे करेंगे अच्छी तरह से फ्राई गोल्डन होने तक, चिकन को पूरा कुक्ड होने तक हम इसे करेंगे फ्राई. और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमें इसे कैसे सर्व करना है. आप देख सकते हैं कि हमारी हसलबैक चिकन जो है वो रेडी हो गई है. और आप इसे अपने कोई भी फेवरेट सॉसेस के साथ और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं. और अचानक कोई मेहमान आ जाए तो उनके आगे भी आप ये इजीली सर्व कर सकते हैं. लाइक इन 15 मिनट्स में ये चिकन आपकी रेडी हो जाती है. सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी. और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी अपलोड करूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोग फरमाइश पर आप लोग की फेवरेट रेसिपी. सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.